हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो गाइस जैसा कि आप सब देख सकते हो कि तैयार हो गए हैं, आंखों को अच्छे से दिखाओ, मशक किया जा रहा है और यहाँ मैंने साड़ी पहन लिया। अच्छी भी पहनना है, कलर शेड इनको लगाया जा रहा है, मैं इसको सेटिंग कर रही हूँ और आप सब लोग भी घर बैठे मेकअप कर सकती हैं अपने आप। मैं लगातार फेसबुक पर लगा हुआ है, बताते रहिएगा मुझे, बताते रहिएगा। चूड़ी का सेट थोड़ा सा उबड़ खाबड़ हो गया था और ये जो चूड़ी है मैंने लिया था नायरा, मैं लिया था, हाँ मैं ली थी, लिया था, हो गया जी। मेरा चार्जर, इनका चार्जर उड़ गया, एम वाला उड़ गई रे, उड़ गई रे, तो मेरा चूड़ा का सेट जो है ना खराब हो गया था, तो मैं इसको सेट लगा रही हूँ। ये ना मैं जितना सूट करूँ ऐड करती हूँ। किट्टो बना रखा है, किट्टो किट्टो किट्टो, तुम चूड़ा कौन सा पहनोगी? तो ये मैंने चूड़ा पहन रही हूँ और बहुत सुंदर लग रहा है। ये नायरा के पैसे मैं इसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी। अभी बनाए नहीं हूँ, उस दिन बनाए थे लेकिन लोग मतलब कि जल्दबाजी में ज्यादा नहीं बना पाए थे, फिर से मैं बना रही हूँ। फाइनली हम तैयार हो गए हैं, अब फिर चल रहे बच्चों को तैयार करेंगे, फिर उसके बाद सोनाक्षी को। क्या हुआ? देखिए ये चूड़ा हमने पहन लिया है, चूड़ा भी अच्छा लग रहा है। हाँ वाह यार, लाइट चल गई है, बहुत सुंदर लग रही हूँ मैं। इसमें मनटीका नथिया नहीं पहनेंगे क्योंकि अरे अच्छा नहीं लगता है, और बस इतना ही लुक अच्छा लगता है। लो चूड़ी ऐसे करो मेरी तरफ, चूड़ी जो खाने की मेरे हाथ में आज पिया की आने लगी है, भीगी भीगी रात। और ये साड़ी कैसा लग रहा है? ये साड़ी हमने लिया था कार्तिका जीनत के पेज से, इनका मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो स्टूडियो बना दूंगी, आप लोग भी जाकर वहां से देख कर ले सकते हैं साड़ी हो या क्या बोल रही हो। अरे कभी कभी बोलते बोलते ना थक जाते हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू बोलना पड़ता है। और इसी बीच में आ गया है पिज्जा पार्टी किट्टो की तरफ से। इट्स नॉट पिज्जा, इट्स पिज्जा, पिज्जा भाई, पिज्जा पिज्जा तो आता है थोड़ा सा हल्का सा, पिज्जा पिज्जा अब नहीं आ रहा है बोलने। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ साड़ी हम पहने थे लेकिन हमने निकलवा दिया क्योंकि वैसे कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे थे, अभी फिर से साड़ी पहनेंगे। सोनाक्षी का ये रहा लुक, जैकेट पहन लेना, जैकेट डाल लेना, हेयरबैंड लगा लेना, बस हल्का से वो करके, बस ज्यादा नहीं। पिज्जा खाइए, ये हमारे ये देखिए हमारे दोनों प्यारे प्यारे बच्चे तैयार हो गए। देखिए अब सिंपल है, बच्ची है, जैकेट डाल लेना ठीक है। ऋषभ 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 को दिखा दो, अभी तो ये वाला लुक ली थी, नहीं वो लुक, कुछ मत करो, खुला बाल रखो बस यार। ऋषभ देखो ये उससे ऐसे इसलिए लग रहा है ज्यादा आगे नहीं आएगा मुंह के। यहाँ पर साड़ी पहना रहे हैं, साड़ी वह पहने थे, मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, मैंने बोला भैया फीस करिए क्योंकि ना साड़ी पहनना इसीलिए हमको जो भी हो गया भी बोलेंगे भैया तो लगेंगे ही। और मैं इसीलिए फंक्शन में साड़ी नहीं पहनती, आप लोग बोलते हो ना हर फंक्शन में लहंगा क्यों पहनते हो, बस ये कि लहंगा डालो ब्लाउज डालो दुपट्टा भी किसी तरीके से ले लो हो जाता है। और साड़ी में क्या होता है जब तक साड़ी टाइट एकदम फिटिंग करना पड़े तब तक साड़ी मजा नहीं आता है। और ये मैं तीसरी बार साड़ी इनसे करवा रही हूँ। तुम्हारा हर लुक बाल का लुक एक ही जैसा क्यों रहता है? मेरा बाल ऐसे तो क्या करूं, ऐसे कृतिक के नेम सेरेमनी में था, क्या करे देखा, तुम क्यों उसको परेशान करते हो? देख लो ऐसे चिल्लाती है पीछे जैसे। तो गाइस हम तैयार हो गए हैं, ये हमारा चूड़ी कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। ये साड़ी हमने एक बार नहीं तीन बार पहना है। ऋषभ आओ इधर, ऋषभ हमारे बच्चे हमारे ब्यूटी में आते ही नहीं है। ये ऋषभ का लुक है, अभी कृतिक तैयार हो रहा है, कृतिक सेम इसी के जैसा रहेगा। तो ये साड़ी का कलर ऐसा होता है ना हर कोई किसी को बहुत अच्छा लगता है। देखो बालों से मार खा जाती हूँ, मार खा गई बालों से, मतलब थोड़ा सा लुक खराब हो जाता है क्योंकि ना बाल हमारे जो हल्के है ना छोटू, छोटू भी कह रहा है देखो छोटू तैयार हो गया, यदि वाह एकदम हीरो की तरह तैयार हो गया है। तो चलिए अभी बने रहिए, फिर मिलते हैं कुछ टाइम बाद। तो मैंने पतिदेव को फोन कर दिया था, पतिदेव अभी हम उसको भी तो करना था ना,
पति देव भी हमारे बोले हैं मैं वहीं से तैयार होकर जाऊंगा क्योंकि वहां से हमारे पास है और मैं यहां तैयार हूं। अपना सामान रख लो फटाफट पहले। और आशीष का मेकअप कैसा लगा? हम लोग वैसा हैवी मेकअप नहीं कराए हैं, एक पार्टी के हिसाब से तैयार की मतलब हुई हूँ। अभी इस रूम में थोड़ा सा लाइट कम है, अगर हम लोग थोड़ा सा शादी वादी में जाएंगे ना तो वहाँ ज्यादा लाइट वगैरह लगेगा और खूब चेहरा पे चमक आएगा। साड़ी पहना देते हैं, यही है कि ना भागता है, कितना भी पहन ओढ़ लो भागता है। कब पतली होंगी यार मैं, थोड़ा पतली हो जाऊँ ना थोड़ा और अच्छी लगूंगी। अरे रे इसको क्या कर रहे हो? काश हम किट्टो की तरह हो जाते। अरे मेरी मामा तो यहाँ देखिए आशीष बताओ कैसी लग रही हूँ? बकवास। खुद सा मेकअप किया बोला है खूब बकवास लग रही हो। कोई ना, बकवास भी कभी कभी अच्छे लगते हैं। यार तुमने कितनी बार मेरे को परेशान। हम परेशान करेंगे, थोड़ा सा कृति को दिखाते। अरे हमार लड्डू भैया, अरे हमार डग्गू भैया, अरे हम चुग्गू भैया तैयार है, चुग्गू भैया तैयार है, बुक्कू भैया तैयार है। हो गया तुम्हारा ये सूज देखो, पीला पीला सूज, हल्दी रसम मेहंदी रसम। अरे देखिए कितना अच्छा सुंदर सा ज्वेलरी लग रहा है ना, किट्टो का ज्वेलरी मैंने पहना है गोल्ड का, पांच लाख का। क्या करोगे सर? अब सचिन अभी जा रहे हैं 7:30 बजे नहाने, 7:30 बजे देख लीजिए गाइस, ऐसे ऐसे लोग दुनिया में पड़े हुए हैं। तो ये सब हमारा सामान है, इसको चलते हैं रख देते हैं क्योंकि रात को हमारे पति देव उधर से बारात में आएंगे, फिर हम लोग उधर से ही घर चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सचिन का भी सामान है ढेर सारा। ए सोनाक्षी, जो चप्पल और जूती होती है ना सब एक थैली में लाकर रखो, जो बाहर है सोनाक्षी। हाँ घर चले जाएंगे, लेकर आओ अपना स्लीपर जूती ऋषभ का लेकर आओ। इधर देखते हैं क्या हो रहा है। ऋषभ चार्जर पर्स में रखे अपना, छोटू इधर तैयार है। मेरा चार्जर यहाँ से क्या हुआ? यहाँ चार्जर लगा हुआ था, देखो मेरा चार्जर ही गायब हो गया। चलो देखो निकलने वाला है, निकलने वाली है, जो सामान है मैं अपना एक तरफ रख लेती हूँ क्योंकि हम अपने घर घर सो जाएंगे। और जो कपड़ा गीला है ना आएंगे कभी ले जाएंगे। अब फिर चलो ले लो, नहीं इसका नहीं है। मेरा सामान बुला दे देना। अभी नेल पेंट भी नहीं लगा, सोचे नेल पेंट जल्दी लगा लेते हैं और चलिए लगा कर मिलते हैं। शादी के लिए हम लोग निकलने के लिए हो गए तैयार। थोड़ा सा किट्टो दिखा देते हैं, बहुत सुंदर लग रहे किट्टो। अरे यार हमसे कम नहीं लग रही थी ये वाला ब्लॉग, ऐसे इन करके वीडियो पसंद आती तो वो लाइक कमेंट से लाइक कमेंट शेयर भर भर के कर दीजिएगा। अरे हमारा बेटा भी है, इधर देखो मिलते हैं नेक्स्ट। बाय बाय।